बात यह है हिंदू मुस्लिम की नहीं है, पुरुष मात्र यदि गरबा में प्रवेश करे तो आई कार्ड लेकर के प्रवेश करे। पहली बात जो चली कि अल्पसंख्यक बंधु नहीं जाएं, उसके पीछे आप देखिए आज़ादी के आज 68 साल हो गए। हमारा जो वंदे मातरम में ओरिजिनल वो 5 बंद वाला है, पर हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं का मन ना दुखे इसलिए हम आज़ादी के दिन से 2 बंद वाला वंदे मातरम गाते हैं। तीसरे बंद से आ जाता है तो हमें ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। जब उनको वंदे मातरम गाने में आपत्ति है तो माँ दुर्गा की साक्षात प्रतिमा के आसपास घूमकर वो गरबा कैसे कर सकते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा हमारे सारे मौलाना मौलवी सब ने कहा कि इस्लाम में बुत परस्ती निषेध है, इसलिए किसी भी मुसलमान युवक को गरबा करने कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि वो सच्चा मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, तो वो गरबे में जा ही नहीं सकता। हम अभिभावकों से ये अपील करना चाहते हैं कि बच्चे जहाँ जाएं आप उनके साथ जाएं, और उनको वस्त्र जो पहनाएं वो बहुत शालीन और अच्छे हों, और पूरी सतर्कता रखी जाए। और सुझावों के लिए हम गरबा आयोजकों को भी पत्र भेज रहे हैं कि हर व्यक्ति को मतदाता पर्चे पर देख के आप प्रवेश दें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटने पर हम वहाँ जिम्मेदारियाँ लोगों की तय कर सकें। अपना मतदाता पर्चे पत्र लेकर आए, और जो मुस्लिम बंधु आते हैं वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को साथ लेकर आएं, और उनका भी मतदाता पर्चे पत्र साथ लें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति परिवार के साथ आता है तो निसंदेह वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सतर्क होता है। नवरात्रि को लेकर आपकी क्या रूपरेखा रहेगी गरबा गरबा मंडलों को तो हम पत्र भेज चुके हैं। हम हमारे कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं, अभी हम जन जागरण की बैठकें चलेंगे महाविद्यालय में, विद्यालय में, महिला संगठनों के साथ, वो सब अपने अपने मोहल्ला में बैठने वाले गरबों से जाकर चर्चा करें और उस विषय को रखें कि बड़ी प्रतिमाएं ना बैठाएं, जल और वातावरण प्रदूषित होगा, घट स्थापना करें, जितना हमारा पारंपरिक तरीका है जवारे बोए उस माध्यम से पूजा करें। खोखली मूर्तियों की पूजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए इन सबको टाला जाना चाहिए।